हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। द पैम्फलेटियर्स हमारा वेरी वेरी शॉर्ट लेसन है ये, द पैम्फलेटियर्स, और इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ जाएगा, अगर एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है तो हमारे लिए कोई नुकसान की बात नहीं, उसको देखना इस लेसन को। अ राइटर ऑफ पैम्फलेटियर्स, देखिए पैम्फलेट्स क्या होते हैं, जो एक अनबाउंड बुक्स होते हैं, बुकलेट्स होते हैं छोटे छोटे, और उसमें कोई बात, कोई मुद्दे उठाए जाते हैं, ठीक है। तो अ राइटर ऑफ पैम्फलेट्स, जो पैम्फलेट्स के जो राइटर होते हैं, स्पेशली वंस ऑफ अ पॉलिटिकल एंड कंट्रोवर्शियल नेचर, तो वो उनके नेचर ऐसे होते हैं पॉलिटिकल कंट्रोवर्शियल नेचर में वो लिखते हैं, ऐसे राइटर्स जो होते हैं पैम्फलेट्स लिखते हैं। अ राइटर ऑफ पैम्फलेट्स अटैकिंग समथिंग और अर्जिंग अ कॉज, और जो पैम्फलेट्स के जो राइटर होते हैं वो किसी चीज़ पर, किसी मुद्दे पर जो चल रहा है उस पर अटैक करते हैं, ठीक है, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, अर्जिंग अ कॉज, कोई रीज़न भी पूछ सकते हैं उसको लेकर। तो इस तरह से पैम्फलेट्स जो है लिखे जाते हैं। और अब हम अपने प्रोज राइटिंग के फॉर्म के रूप में देखें इसे, तो अपीक्यूलर फॉर्म ऑफ प्रोज राइटिंग, जैसा कि हमने फॉर्म्स ऑफ प्रोज पढ़े हैं, फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, प्रोज पोइट्री सारे पढ़ लिए हमने, ठीक है, उसमें ये नहीं था, लेकिन हाँ ये छोटा सा अलग का ही फॉर्म है, तो इसको भी हम देख ही ले रहे हैं इस लेसन में। पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ प्रोज राइटिंग पैम्फलेट्स वर यूज्ड इन ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, एक स्पेशल फॉर्म होता है प्रोज राइटिंग का, ठीक है, पैम्फलेट्स, और यूज्ड किस तरह से होता है, ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, कोई ऐसा पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है कि हाँ भाई पैम्फलेट्स हम कहें इसी सब्जेक्ट में, इसी विषय को लेकर लिखे जाते हैं, ऐसा नहीं है, ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट को टच करके लिखा जा सकता है, पर स्पेशल किस बात के, कंट्रोवर्शियल, कोई कंट्रोवर्सी अगर चल रही है, जैसे कि जिस लेवल पे ये छप रहे हैं पैम्फलेट्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल, तो जो कंट्रोवर्सीज चल रही है उस पे स्पेशली ये पैम्फलेट जो है क्या कहते हैं लिखे जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं। और एक एग्जांपल के लिए हम अगर बात कर लें, हमारे इंडियन जो हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था, भारत जो हमारा स्वतंत्र हुआ था, उस समय ये जो है काफ़ी यूज़ हुए थे, ब्रिटिश के अगेंस्ट पैम्फलेट्स काफ़ी छापे जाते थे, है ना। तो अब इसके हम लिटरेचर के सेंस में देखें, फॉर्म्स ऑफ प्रोज है, पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ प्रोज है, तो लिटरेचर में ये चार नाम आ जाते हैं जो कि हमें याद रखना है ब्रिटिश इंग्लिश में, है ना, लिली, ग्रीन, लॉज, नैश, ठीक है, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज एंड थॉमस नैश, ये जो हैं चारों के चारों नाम, इनसे मल्टीपल वे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई इनमें से कौन से नहीं है चार में से पैम्फलेटियर्स, या कौन से हैं किस तरह से। तो ये चार स्पेशल नाम आते हैं हमारे सामने, जब आप इनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे, पर अलग से यहाँ सेपरेट मिल रहे हैं आपको। जॉन लिली 1554 to 1606, इनका लाइफ ड्यूरिंग ड्यूरेशन है इनका। रॉबर्ट ग्रीन 1560 to 1592, थॉमस लॉज 1558 to 1625, एंड थॉमस नैश 1567 to 1601। अच्छा, रॉबर्ट ग्रीन के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये वही व्यक्ति हैं कि जब शेक्सपियर, ये चारों के चारों शेक्सपियर के हमारे समकालीन हैं, ठीक है, कंटेम्परेरी हैं, पर ये रॉबर्ट ग्रीन ने शेक्सपियर की इंसल्ट करी थी, उनको क्या कहा था, अप स्टार्ट करो, रॉबर्ट ग्रीन ही थे वो व्यक्ति जिन्होंने शेक्सपियर को अप स्टार्ट करो कहकर उनकी इंसल्ट करी थी। तो ये वही है रॉबर्ट ग्रीन, और ये चारों के चारों शेक्सपियर के कंटेम्परेरी हैं, और यही हमारे इंपॉर्टेंट पैम्फलेटियर्स हैं किसके, इंग्लिश लिटरेचर में, जो हम अगर ब्रिटिश इंग्लिश की बात करें तो इन चारों के नाम आ जाते हैं। तो ये पैम्फलेटियर्स कौन होते हैं, थोड़ा सा हमने देखा इस बारे में इस लेसन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन स्टूडेंट्स, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, जय हिंद।